गाजीपुर में महिला और पुरुष सुलभ शौचालय का रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। गंगा किनारे खुले में शौच पर रोक लगाने के साथ स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए 19,50,000 की लागत से बना सुलभ शौचालय आम जनमानस के लिए उद्घाटन के बाद खोल दिया गया। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपने हर वादे को पूरा किया है। ये शौचालय CSR योजना के अंतर्गत बाबतपुर एयरपोर्ट को वाराणसी में उसके सौजन्य से इसको बनाया। लगभग इसमें 19,50,000 रुपये का लागत आया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के निर्देशानुसार इकरारनामा के अनुसार हम लोग इसको 2 साल तक मेंटेन करेंगे। उसके बाद भी मेंटेन जारी रखेगा, 2 साल के बाद हम लोग फिर एग्रीमेंट को रिन्यूअल करेंगे। उनमें बदलाव आता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आती है कि नहीं आती है, मैं समझता हूँ मूल्यांकन इसी से होता है किसी सरकार का या किसी जनप्रतिनिधि का। और निश्चित रूप से उस दिशा में अनेक काम हुए हैं, 9.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बन गए, 1.5 करोड़ से ज़्यादा घर बन गए लोगों के, और 2022 में कोई नहीं रहेगा जिसके पास